नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टेट वन विद होम्योपैथी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आर्निका मोंटाना हर्बल शैम्पू के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में, तथा यह बालों की किन किन समस्याओं में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यह बालों की किन किन समस्याओं को आप इस शैम्पू की सहायता से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों आर्निका मोंटाना शैम्पू देखने में कुछ इस प्रकार का होता है और मार्केट में तीन साइज़ों में आपको मिल जाता है। जो इसका सबसे छोटा साइज़ है 100 ml, उससे बड़ा साइज़ 200 ml, और जो सबसे बड़ा इसका साइज़ आता है वो 450 ml। दोस्तों इसका जो सबसे छोटा साइज़ है उसकी जो MRP है वो 92 रुपये है। और दोस्तों SBL होम्योपैथी जो कंपनी आती है होम्योपैथी में, उसके द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। जो आर्निका मोंटाना शैम्पू है उसका बालों की किन किन समस्याओं में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और या किन किन समस्याओं को आप इस शैम्पू की सहायता से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों जो इसका पहला यूज़ है, रिड्यूस हेयर फॉल। अगर किसी को बाल झड़ने की समस्या है तो ये उसको ठीक करता है। दूसरा जो इसका यूज है दोस्तों, प्रोटेक्ट हेयर डैमेज। अगर किसी के बाल टूट रहे हैं या आधे होकर टूट जाते हैं कुछ लोगों के बाल, उस कंडीशन में भी आप शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो दोस्तों इसका यूज़ है बालों में, अगर किसी के डैंड्रफ की समस्या है या तुलसी की समस्या है तो उसको ये दूर करने का काम करता है। दोस्तों इसका जो अगला यूज़ है, अगर किसी के स्कैल्प में सोराइसिस की समस्या है तो सोराइसिस की समस्या में भी आप इस शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगले यूज़ के बारे में बात करें तो दोस्तों प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के केस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों के बाल समय से पहले ही सफ़ेद हो जाते हैं उस कंडीशन में भी आप इस शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, ये जो शैम्पू है वो बालों को बढ़ने में मदद करता है। अगर किसी के बाल बहुत समय से बढ़ नहीं रहे हैं या छोटे छोटे अगर किसी के बाल रह जाते हैं उस कंडीशन में भी आप इस शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे बालों को मजबूत बनाने में, घना बनाने में तथा बालों को लंबा करने में भी सहायता करता है। तो सब बात करते हैं इसके कंपोजिशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स की, किन किन प्राकृतिक तत्वों के द्वारा ये मिलकर बना होता है। तो दोस्तों पहला है आर्निका। दोस्तों अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं तो झड़ने से रोकने का काम आर्निका करता है। दूसरा, अगर किसी के बाल कमज़ोर हैं या थिन हैं, पतले हैं, तो उसको मजबूत और मोटा करने का काम आर्निका करता है। दोस्तों तो जो इसमें अगली मेडिसिन है जबरंडी। दोस्तों अगर किसी के बाल ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रहे हैं, प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हैं किसी के बाल, समय से पहले ही सफ़ेद हो रहे हैं, तो उसको काला बनाने का काम जबरंडी करता है। और किसी के बाल अगर झड़ रहे हैं तो झड़ने से रोकने का काम भी जबरंडी करता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके तीसरे कंपोजिशन की। जो तीसरा इसमें इंग्रेडिएंट्स है, तीसरा जो तत्व है वह है खुजा। दोस्तों अगर किसी के बालों में डैंड्रफ की समस्या है, रूसी की समस्या है, तो उसको दूर करने का काम खुजा करती है। दोस्तों अगर स्कैल्प में कोई दूसरी परेशानी है, खुजली वगैरह की, तब उसको कम करने का या दूर करने का काम खुजा ही करती है। दोस्तों जो इसमें चौथा तत्व है वह है कैलेंडुला। बालों को सिल्की, सॉफ्ट, स्मूथ तथा हेल्दी बनाने का काम कैलेंडुला करता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में, क्या इसकी डोज रहनी चाहिए। तो दोस्तों हफ्ते में आप इस शैम्पू का 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दिन छोड़कर आप इस शैम्पू को अपने बालों में लगा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, इसको जो लगाने का तरीका है वो और शैम्पू की ही तरह है, जैसे आप और शैम्पू करते हैं उसी प्रकार आप इस शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी एक्सपायरी डेट के बारे में। तो इस शैम्पू पर लगभग 3 साल की एक्सपायरी डेट आती है, 3 साल के अंदर आप कभी भी इस शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप में से किसी को भी बालों की समस्या है, बाल झड़ने की या डैंड्रफ की या प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर की समस्या है, तब आप इस शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने परिवार में किसी को सजेस्ट कर सकते हैं इस शैम्पू के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।